नमस्कार, ऑनलाइन भारत की टीवी स्क्रीन पर ये विजुअल देख रहे हैं। विजुअल है जम्मू के शहीदी चौक के कांग्रेस हेडक्वार्टर पार्टी ऑफिस के बाहर के, जहां पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बताना चाहेंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बार बार बुलाकर पूछताछ की जा रही, उसी को लेकर लगातार अब भाजपा पर निशाना साध रहे हैं विपक्षी दल। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो भी सरकार पर या भाजपा पार्टी भाजपा सरकार पर सवाल उठाता है तो उनके पीछे एजेंसी को लगा दिया जाता है, जो कतई सही नहीं है। इसी के चलते आज आपको जम्मू के कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर आपको जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन भारत, रश्मि शर्मा, जम्मू। कांग्रेस सड़कों पे है, प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास। कांग्रेस ने काफी देर सत्ता संभाली, लेकिन विपक्ष को पॉलिटिकल वेंडेटा के माध्यम से नहीं गुजरना पड़ा। आज विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है, आज जनता समझ चुकी है, इसलिए हम सड़कों पे आगे प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाजपा इस सरकार से बाज यहाँ पे आए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लेबर पार्लियामेंट को भी सस्पेंड किया गया, हम उसका भी विरोध यहाँ पे करते हैं। देश जहां पे जा रहे हैं, हम उसका विरोध करने के लिए सड़क। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सोनिया जी आगे बढ़ो, सोनिया जी आगे बढ़ो, सोनिया जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, सोनिया जी। आज कांग्रेस का बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन है। हम लोग कांग्रेस अब इसके बाद सत्याग्रह कर रहे हैं। पूरी प्रदेश की लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है कि हम सोनिया जी के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से एनडीए सरकार, मोदी सरकार के लुकू एजेंसियां कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, हमारी यही डिमांड है कि कांग्रेस चाहती है कि ये गरीबों को जो महंगाई जो बढ़ी है, ये एनडीए सरकार लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। अभी जो उन्होंने 5% जीएसटी लगाया, ये इसलिए लगाया कि इनका ध्यान बांटे। हमारी यही डिमांड है कि ये एनडीए सरकार बदले की भावना से राजनीति छोड़े और लोगों की आम समस्याओं की तरफ ध्यान दे।